नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जनपद सिहावल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोरौली खुर्द किसने की फसल को आवारा पशु कर रहे हैं। बर्बाद किसानों ने जमकर ग्राम पंचायत पर आरोप लगाया है कि बड़े का निर्माण तो कर दिया गया, मां भागने में चराने वाला एक भी व्यक्ति नहीं रखा गया है। हमारी फसल पूरी तरह नुकसान हो रही है। इस ग्राम पंचायत में कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। सरकार की घोषणा सिर्फ हवा हवाई है। वहीं जब इसी बात को लेकर ग्राम पंचायत के सचिव सहायक पंकज चतुर्वेदी ने कहा, हमने बाग का निर्माण कर दिया है पर ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति सहायता सरकार के द्वारा नहीं प्रदान किया गया है। 15 में वित्त के अनुसार अगर हम मजदूर रखते हैं, 3 मजदूर का पैसा हम नहीं दे पाएंगे। अब किसानों के द्वारा सहयोग नहीं होगा तो फसल तो बर्बाद ही होगी। वही सिहावल जान पक्षियों शैलेश पांडे ने कहा था कि हम ग्राम पंचायत में मजबूत बना बनाएंगे और उसकी रखरखाव की व्यवस्था करेंगे, पर कहीं भी जमीनी हकीकत कुछ समझ से परे। वही जब सचिव अनिल सिंह से बात करना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी तबीयत खराब है, इसलिए हम पंचायत में उपस्थित नहीं हो पाए। सिहावल जनपद सीओ शैलेश पांडे और विधायक विश्वामित्र पाठक और सांसद राजेश मिश्रा के द्वारा सभागार में बैठक ली गई आवारा पशुओं के लिए। क्या आपके ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार की बाड़े की व्यवस्था, उसमें आवारा पशु कितने हैं, कब बना है, क्या कारण बताइए, क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को बताइए। बाड़ा तो फिलहाल अभी लगभग एक महीने पहले सितंबर महीने में बना है। वो अभी 10x10 के नहर के किनारा जो भीटा है वहाँ पे बना है। उसमें मुश्किल से 10 आवारा पशु आ सकते हैं। अगर 10 से 15 हो गए तो उसमें घुसने की क्षमता नहीं है। और हमारे ग्राम पंचायत में कोई भी एक आदमी नियुक्त नहीं है। अगर नियुक्त है तो उसका नाम हमको जानकारी दिया जाए किसानों को कि ये आदमी नियुक्त है, ये ले जाए के मवेशियों को अंदर करेगा। आवारा पशु नुकसान कर रहे हैं। फसल देख लीजिए, पूरी तरह से फसल खराब हो चुकी है। ये बताइए कि जब सरकार ने घोषणा कर दिया और ग्राम पंचायत में पैसे की कमी बता रहे हैं सहायक सचिव, क्या इस तरह है? इस तरह हाँ, क्या है यहाँ खूब नुकसान हो रहा है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं मिला। नुकसान हो रहे थे विधायक जब घोषणा कर रहे हैं विश्वामित्र पाठक की आवारा पशुन खातिर, का कौनो मद के व्यवस्था कीन के व्यवस्था पैसा के व्यवस्था नहीं, क्या घोषणा हवा हवाई दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। कितना नुकसान हुआ होगा आज तक? अभी तक अभी तक लगभग ग्राम पंचायत खोल कर 50 एकड़ फसल नुकसान हो चुकी है। 50 एकड़ फसल। क्या आपने कभी सीएम हेल्पलाइन का सहारा भी लिया क्या? कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। कौन स्तर पे कोई देखने वाला नहीं है, केवल हवा हवाई है। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत कोरौली खुर्द है। क्या नाम है आपका? शिवम प्रसाद शुक्ला। कोरौली खुर्द में जमुई भी आती है। करौली खुर्द में किसानों के द्वारा लगातार शिकायत आ रही है कि ग्राम पंचायत के द्वारा बाड़ा नहीं बनाया गया है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। क्या आपके द्वारा बाड़े का निर्माण कराया गया है? ग्राम पंचायत करौली खुर्द में बाड़े का निर्माण कराया गया है। आवारा पशु को रखने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें किसानों को यह भी समझाइश दी गई है कि किसान शाम होते ही अपने खेतों के आसपास चल रहे हुए मवेशियों को ले जाकर बाड़े में सरलता से पहुंचाएं और एक दो चार लोग मिल करके उसको बाड़े में व्यवस्थित तरीके से। क्या बाड़े में किसी प्रकार की मजदूर की व्यवस्था किया गया है? एक मजदूर की व्यवस्था की गई है, पर किसानों का सहयोग बराबर न मिलने के कारण से कार्य सही रूप से नहीं चल पा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज चतुर्वेदी है। ग्राम पंचायत करौली खुद रोजगार सहायक के पद पर मैं पदस्थ हूँ।